नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके एमपी बोर्ड में बेस लाइन टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी कक्षा 11वीं का जो आपका बेस लाइन टेस्ट है, विषय देख सकते हैं भौतिक विज्ञान है, कुल अंक आपके 40 हैं, ठीक है। और यहाँ पर समय आपके लिए 1 घंटा दिया गया, यानी कि आपको टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको इस वीडियो में अब आप बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है और प्रश्न पत्र में 2 भाग है, फर्स्ट एवं सेकंड, ठीक है। भाग एक में प्रश्न N2 अर्थात 8वीं व 9वीं स्तर के हैं और भाग 2 में N1 है अर्थात 10वीं स्तर के हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना किए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कि दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के गलनांक एवं क्वथनांक पर प्रभाव है, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, आ और बा, सा और दा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा, दोस्तों पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आ नंबर का, यानी कि गलनांक कम हो जाता है एवं क्वथनांक दोस्तों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है पदार्थ की अवस्थाएँ, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का ताप कैसा होता है, दोस्तों बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, ठोस से द्रव में परिवर्तन में बढ़ता है और द्रव में ठोस परिवर्तन में घटता है। तो सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा, देखिए ठोस से द्रव परिवर्तन में बढ़ता है और तथा द्रव से ठोस परिवर्तन में घटता है, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फिर थर्ड आता है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जल का क्वथनांक है, हमसे दोस्तों जल का क्वथनांक पूछा गया है। तो दोस्तों जल का क्वथनांक होता है आपका 273 केल्विन, ठीक है। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन 3 का सही है, ठीक है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर रहा आपका चौथा क्वेश्चन, परमाणवीय दूरी मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम का मान क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, 10^-10, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु केंद्र की खोज के लिए। फिर है छठा, एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है, स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है, छात्र का विस्थापन होगा। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका 6 नंबर का रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 0 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर अब 8, 7 में देखिए, 7 का दोस्तों आपका आंसर रहेगा, मैं आंसर आपको बता चलता हूँ। क्वेश्चन सात का आंसर आपका रहने वाला है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आ, बा, सा और दा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 7वें का दा, ठीक है। दूसरी फिर देखिए 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो दोस्तों ये आपका जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का आपका आंसर है दोस्तों फर्स्ट वाला, ठीक है, यानी कि पी। सेकंड देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया वाले कार्य करते हैं अलग अलग वस्तु पर, तो जो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों 9वें का आंसर आपका बा हो जाएगा, एक ही वस्तु की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपका 10वां क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, 10वें क्वेश्चन में हमसे 10वें क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का हो जाएगा, किसी कार्य को एक समान चाल से गतिशील रखना, ठीक है, 10वें का सा। फिर दोस्तों 11वें का आपका आंसर हो जाएगा, 11वें का 2 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर का, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 12वें का 2 नंबर का, ठीक है। तो 12वें का भी आपका दा हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है 4 गुना, ठीक है, 4 गुना। फिर 13वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, 13वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 14वें का दोस्तों आपका आंसर द हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 15वें का आंसर दोस्तों, 15वें का आपका आंसर हो जाएगा अ नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 16वां है, किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा सदैव ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है, निकाय का धनात्मक कार्य करने पर बढ़ती है, तो क्वेश्चन नंबर 16वें का दोस्तों आंसर आपका सही हो जाएगा, निकाय पर ऋणात्मक कार्य करने पर बढ़ता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 16वें के बाद 17 आता है, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 17वें क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर 2 नंबर का हो जाएगा, सौ शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा ठोस माध्यम में। 19 क्वेश्चन दिया गया है, 19 है, तो 19 का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 19 का सवाला आंसर हो जाएगा मच्छर की भिन्न भिना, ठीक है। तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन, और 20वां क्वेश्चन था दोस्तों, 20वें का आंसर आपका आ जाएगा, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 740 वाट होती हैं, ठीक है। फिर देखिए फिर दोस्तों आता है भाग 2 आता है, देखिए भाग 2 में आपको दिया गया समतल दर्पण की फोकस। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट, बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, UP, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मीन्स का हो,
उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकेंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। फोकस दूरी होती है तो आप सभी को पता है समतल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी अनंत होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22 में किसी वस्तु को आपका दर्पण के समक्ष वक्त किन पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों 22 का आपका जो आंसर हो जाएगा, 22 का सन नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है, वक्रता केंद्र पर। 23 का दोस्तों एक लेंस की क्षमता दो डायोप्टर की फोकस दूरी होगी। दोस्तों 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सन नंबर का, यानी कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है 24 इंद्रधनुष बनने का कारण है। दोस्तों 24 का आंसर हो जाएगा यानी कि बल्ब विक्षेपण। फिर प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। दोस्तों 25 का आंसर आपका हो जाएगा, 25 का देखिए प्रकाश के बच्चे पढ़ते पास रंगों के समूह कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर 25 का दा होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए गहरे समुद्र में जलकर एक नील दिखाई देने का क्या कारण है। दोस्तों ये आपका 26वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा साफ प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। क्या है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको टिक कर देना है। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं 26 के बाद दोस्तों 27वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 27वां हमारा क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखिए एमीटर के परिपथ में संयोग किया जाता है, तो किस परिपथ में किया जाता है? 27 का आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मात्रक। आप सभी को पता है प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। 28 का आ जाएगा फिर 29 विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है, तो 29 का दोस्तों आंसर आ हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन की, तो गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए दोस्तों HKTG.com, तो वहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो जाइए और सर्च कीजिए, ठीक है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ हो गया है। फिर क्वेश्चन 30 आता है, 30 है, ठीक है। धारावाहिक चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? दोस्तों 30 का आंसर आ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। 31 देखिए घरेलू प्रपथ में सभी उपकरण संयोजित रहते हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों समांतर क्रम में, ठीक है। 31 का क्या दोस्तों आंसर है? फर्स्ट वाला 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32, जो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए 32वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 32 का क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। फिर आता है 33वां क्वेश्चन, नेत्र प्रत्यारोपण में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? दोस्तों 33 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर का कॉर्निया, ठीक है। फिर फ्यूज तार का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, तो ये 34वां क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा कि इनमें इसके पदार्थ का गलनांक कुछ होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है 35वां क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहें कितनी ही दूर खड़े हों, आपका आवाज़ प्रतिबिंब बना रहा है, तो दर्पण संभवतः दर्पण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 35 है, 35 का आंसर दोस्तों अभी इसका कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 36वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे, 36वां क्वेश्चन, ठीक है। 35 ये आपका 36वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 36वां क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर 2 नंबर का है, ठीक है। आपतन दर्पण की घटना में यदि अपवर्तन कोण से बना है तो संभवतः प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 36 क्वेश्चन है, तो 36 क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा होगा दोस्तों? सेकंड वाला होगा, कांच से वायु में, ठीक है। 37 है, निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 37 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का तालाब, ठीक है। फिर देखिए 38 है, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है, तो 38 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आ यानी कि कोयला, ठीक है। 39वां, निम्नलिखित में से चुंबकीय रेखाओं का कुल नहीं है, तो दोस्तों 39 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्या है काट सकती हैं। फिर है 40वां, जो कि लास्ट है, किसी चालक तार को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है, चालक का प्रतिरोध होगा, तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये दोस्तों ये आपके फिजिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो इस वीडियो को मैं शांत करती हूं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।